कार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। 2014 में आप सबने हमें सरकार में आकर के देश की सेवा करने का मौका दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था। और इसलिए हमने 1 लाख से उसको सीमा 5 लाख कर दी, ताकि 99% नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल सके। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, बैंकरप्सी कोड जैसे कानून बनाए, ताकि अगर कोई कंपनी किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा, बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है।